देखिए रिजल्ट के बारे में आप जानते हैं कि आरपीएससी हुए, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, ये सब ऑटोनोमस बोर्ड हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उनको हम कहते रहते हैं अभी डेढ़ महीने में ज़्यादा से ज़्यादा और दो पाँच दिनों में आप रिजल्ट दे दें, तो हमारे पास जो सूचना है रीट वगैरह के रिजल्ट डेढ़ पौने दो महीने में आ जाएंगे। परीक्षा में जो भी प्रक्रिया में समय लगता है, दो ढाई महीने जो भी लगने की संभावना है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, अनावश्यक टाइम नहीं लगे, लेकिन बिना प्रक्रिया पूरी किए बगैर कोई रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक पीटीआई भर्ती का है, क्योंकि वो उसमें कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है, डीवी का निश्चित करने में निश्चित रूप से समय लगेगा और पहले से संभावित कोई भी अवधि नहीं बताई जा सकती किसी भी प्रक्रिया में। जो भी हम कोशिश करेंगे शीघ्र से शीघ्र हो, लेकिन समय अवधि नहीं दी जा सकती। समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, ये देखना बोर्ड का काम है और उसमें समय लग सकता है। और निश्चित रूप से जितना जल्दी फास्टेस्ट रिजल्ट हम निकालते हैं उतना कोई नहीं निकालता, लेकिन बिना प्रक्रिया पूरी करने के और बिना उसको पूरी तरह से एग्जामिन किए बगैर हम कोई भी रिजल्ट जारी नहीं करते और नहीं करना चाहेंगे।